नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कामरेड विनोद सिंह ने गांडे और बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का तूफानी दौरा करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे। उनके साथ पार्टी के गांडे विस क्षेत्र के नेता राजेश यादव भी थे। ताराटान, भंडारी डी, नावाटान, फुलची, तीनपतली, डहुआटान, डोकी डी, चंपापुर, उदयपुर, महेश मुंडी, रात पैयार, केशोटान, बलायटी, मंडाटान, बैजनाथपुर आदि गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान विनोद सिंह ने कहा कि लोग उन्हें वोट करें, वे उनके साथ रहेंगे, जनता को शर्मिंदा नहीं करेंगे और कहा कि कोडरमा की जनता के साथ विकास और जन सुविधाओं के मामले में घोर उपेक्षा की गई है। 10 साल का शासन चलाने के उपरांत भी आज भाजपा के पास अपने ही किए गए वादों को लेकर उपलब्धियां गिनाने के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वे 400 पार का खोखला और हास्यप्रद नारा दे रहे हैं, लेकिन जनता उनकी चालाकी को समझ चुकी है। मौके पर मुख्य रूप से माले नेता मेहताब अली मिर्जा, सलामत अंसारी, झामुमो नेता हीरा लाल मुर्मू, अशोक सोरेन, कांग्रेस नेता अकबर अंसारी, मनोज यादव, दारा सिंह, श्याम किशोर हासंदा, यमुना सिंह, दशरथ पंडित, झंडू वर्मा, शहादत अंसारी, शेखर सिंह, राजू पासवान, अजय यादव, खुर्शीद अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।